आपका स्वागत है। पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, माल्य अवस्थी जी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं, माल्य जी से गीत भी लगातार सुन रहे हैं। इस वक्त रुक करेंगे लखनऊ का, हमारे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनसे कि इस वक्त घाट पर वो क्या कुछ देख पा रहे हैं। जी आलोक, इस वक्त आप मौजूद है लखनऊ के घाट पर, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए अनामिका, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे घाट पे भी जो चहल पहल है वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो दिखाया, अगर जो छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो अगर अपने घर में खरना बना रही है, रसियाओ जो चावल को होता है उसको, और जो बाकी पकवान बना रही है, तो जो पुरुष है वो यहाँ पर घाट पे बैठ के छठ मैया का जो अभी से आवाहन है वो शुरू हो रहे हैं। चूंकि और आप देख सकते हैं जो तैयारी है, जहाँ पे कल पूजा होनी है छठ मैया की, उसकी आप पूरी तैयारी यहाँ पे देख सकते हैं, जो लगातार उनके लिए जो बनाए जाते हैं और उसको रंगा पोता जा रहा है। घाट की जो सफाई है उसका पूरा जो काम है वो यहाँ पे शुरू हो गया। हमारे साथ ये भी है जो 30 साल से प्रभुनाथ राय जी हैं, भोजपुरी समाज के जो अध्यक्ष हैं, लगातार 30 साल से यहाँ पे छठ पूजा कराते हैं। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमको बता रहे थे, जब इन्होंने शुरू कराया था 84 में तो 100 लोग आते थे, आज कम से कम 7 से 8 लाख लोग जो है लखनऊ के इसी जो यहाँ पर है इकट्ठा होते हैं, जो घाट है लक्ष्मण मेला घाट है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और बहुत बड़ी एक पूजा है, कई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कई फिल्मी कलाकार से लेके कई गायक यहाँ पर कल आने वाले हैं, और यहाँ पे भारी जो एक मेला है वो यहाँ पे जो छठ व्रत करने वाले हैं उनका लगने वाला है। प्रभुनाथ जी, क्या क्या कल कार्यक्रम है आपके? कल इसका उद्घाटन 3 बजे किया जा रहा है, और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है राम नरेश यादव जी आ रहे हैं, और 100 से ऊपर यहाँ भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं, जिसमें गोपाल लाल जी हैं और तमाम ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मी कलाकार सब आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, और 1 महीना 1.5 महीना से यहाँ तैयारी शुरू हो जाती है। और आप देख रहे होंगे कि सब कलाकार यहाँ पर अपना गाना बजाना शुरू कर दिए हैं। आज छोटी छठ है, और इस छोटी छठ पर आज शाम को महिलाएं रसिया और रोटी खा के इस छोटी छठ का समापन और बड़ी छठ का शुरुआत होगी, जिसको आज खरना कहा जाता है। और ये बहुत आलोक, इस वक्त हम आपके पीछे देख सकते हैं कि एक मंडली वहां पर मौजूद है, लोग वहां पर मौजूद हैं, गीत संगीत के माध्यम से जो छठ व्रती वहां पर पहुंचने वाली हैं उनका मनोरंजन करने के लिए भी काफी इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अगर उस मंडली से आप बात कर सके, कुछ गीत सुना सके छठ व्रतियों को और हमें? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हम उस मंडली से बात करेंगे और अपने दर्शकों को गीत भी सुनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं गाना गाने के लिए, हम इनसे थोड़ा सा आग्रह करेंगे थोड़ा सा आगे आके हमारे दर्शकों को लाइव पे गीत सुनाएं। किस तरीके से जो लोग यहाँ पे गीत गाने वाले हैं वो लोग भी हैं, देखिए और भी जो गीत है वो गा रही है अनामिका। जेनी तनाईले हो साते फलवासी कुसिया सजाईले छठिया पुजाईले हो साते फलवासी कुसिया सजाईले छठिया पुजाईले हो मैया के अंगना अनामिका, देख रही पूरी तरीके से जो माहौल है भक्ति में हो चुका है। आप अपने कैमरामैन से ये भी कहेंगे कि जो बड़ा सा पंडाल यहाँ पे कल बनाया जा रहा है उसको भी दिखाएंगे, यहाँ पे सारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे, और काफी लोग यहाँ पर जो कल इकट्ठा होंगे, काफी भोजपुरी जो कलाकार है उनके यहाँ पर आके अपना जो कार्यक्रम है वो पेश करेंगे। और आप देख सकते हैं जो तैयारी है वो काफी जोरों पर यहाँ पर शुरू हो रही है, और जो छठ मैया का जो एक
पूरा जो एक गाने बजाने से लेके जो पूरी पूजा की पूरी तैयारी, उसकी एक भव्य तैयारी यहाँ पे लखनऊ के जो लक्ष्मण मेला जो ग्राउंड है वहाँ पे पूरी हो चुकी है अनामिका। जी आलोक, बिल्कुल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सफाई के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और 30 साल से वहां पर आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन के चलते इस बार भी बड़ा आयोजन किया गया है। काफी बड़ी संख्या में भोजपुरी गायक भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, मंडली वहां पर मौजूद है। छठ व्रतियों को परेशानी नहीं हो, गीत संगीत के माध्यम से उनका मनोरंजन किया जाता रहे, इसके लिए भी पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। मालिनी जी का रुख करूंगी एक बार फिर से। मालिनी जी, एक कॉलर ने आपका प्रिय गीत सुनने की इच्छा जाहिर की थी, सुनना चाहेंगे वो गीत आपसे। उनको तो बहुत देर हो गई फोन करे हुए, मैं उनसे पहले जिन्होंने अशोक जी ने भी फोन किया था उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी बात मेरे लिए सोची और कही है, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक जीवन में आप जो जीवन जीते हैं, जिन मूल्यों के आधार पर जीते हैं, उससे ही नेतृत्व मिलता है। मेरे हिसाब से हर महिला जो आपकी माँ भी होंगी वो भी आदर्श है, वैसे ही आदर्श मैं भी जीने की कोशिश करती हूँ। आज छठ का दिन है इसलिए छठ का ही गीत सुनाती हूँ, फिर आपसे विदा लूंगी। शाम को कार्यक्रम, उसकी तैयारी भी करनी है जी। एक बच्चा अपने, क्योंकि बहुत सारे आप जानते हैं प्रवासी हैं जो छठ में अपने घर से दूर रहते हैं, तो छठ पे टिकट कटा करके आते हैं छठ मनाने के लिए, और बड़ी प्रतीक्षा आतुरता से छोटा बच्चा है, अपने बिटिया अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रही है कि वो कब आएंगे छठ के महीने में। वही गीत सुना रही हूँ। तू छठ घाटे चली हा पापा लई के बहंगिया, तू तो छठ घाटे चली हा बाबा लई के बहंगिया, अम्मा पहरी पियरी साड़ी तू पियरी धोतिया, तू तो छठ घाटे चलिया बाबा लई के बहंगिया, तू तो छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया, नौकरी से छुट्टी लेके घरे चले आई हा, नौकरी से छुट्टी लेके घरे चले आई हा, जल्दी से गड़िया के टिकट कटाई हा, जल्दी से गड़िया के टिकट कटाई है, आ जाइबा तो पूरा हुई है सब की मनौतिया, तू तो छठ घाटे चलिया बाबा लई के बहंगिया, तू तो छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया, तू तो छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया। बिल्कुल मालिनी जी, आप जाने का जिक्र कर रही हैं लेकिन आपने गीत ये सुनाया है, इस वक्त मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा वक्त आप दे सके उन सवालों का जवाब देने के लिए तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बता दूं, अभी आपने ये लक्ष्मण मेला का जो आप जी बस ये सवाल का जवाब से जानना चाहती हूँ कि आप छठ व्रत करती हैं, ग्राउंड आप बता रहे थे ना जहाँ पर अभी छठ का व्रत हो रहा है। हाँ जी 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 कहिए जी। मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर भी पिछली बार यहीं पर प्रभुनाथ जी इनके इस छठ आयोजन पिछली बार लखनऊ में मैं थी और लखनऊ में पिछली बार मैंने गाया था और ये एक बहुत सुखद संकेत है। लखनऊ में पहले कभी छठ मनती नहीं थी इतने जोर शोर से जी जी। पिछले 3-4 वर्षों से बहुत जोर शोर से मनने लगी है और उसमें बीड़ा पूरा प्रभुनाथ राय जी जो बात कर रहे थे अभी आपके चैनल में आलोक जी के माध्यम से, उन्होंने उठाया है और बहुत सारे लोग उसी बहाने गोमती के तट पे जुटते हैं और बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। बिल्कुल, तो अभी मैं सुन रही थी, बड़ा अच्छा गा रही थी सब गीत, तो मुझे अपना याद आ गया कि पिछले साल मैं इसी यहीं पर मैं गा रही थी इसी मंच पे जी। बिल्कुल, पुराने समय पुराना समय आपको याद आ गया। इस वक्त एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप भी छठ व्रत रखती हैं, किस तरीके से इस व्रत को रखती हैं, क्या क्या चीजें आप अपनाती हैं इस व्रत के दौरान? नहीं देखिए, छठ का व्रत तो हम लोग ऐसे नहीं रखते जी। और उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ छठ का व्रत होता भी नहीं था, ना मायके में ना ससुराल में जी जी। और कुछ ऐसा हो भी गया है कि छठ की उपासना हमारी सबसे ज्यादा व्रतियों के बीच में जाकर हो जाती है, लगातार 3 दिन कार्यक्रम रहते हैं, इस प्रकार से भी गाने का अवसर मिलता है। तो एक व्रत तो वो है जो पूजा विधि विधान से, और हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी गा रहे हैं
वो अर्घ सूर्य भगवान छठी माई को गाने से ही वो मंत्र शक्ति वो लोक शक्ति वहां तक पहुंचे, वही हमारा सबसे बड़ा व्रत होता है जी। आपने कहा कि आपको अपना पुराना समय याद आ गया जिस वक्त कुड़िया घाट पे लोग वहां पर बैठते थे, पूजा अर्चना करते थे, लक्ष्मण मेला मैदान में आप भी वहां पर होते थे और आपको वो समय याद आ गया है, उस समय की कुछ खास बातें जो इस वक्त आपके जहन में आ रही हो, वो कौन सा गीत था जो उस वक्त बार बार गाया जाता था, गुनगुनाया जाता था? सारे छठ के गाने बाकी सब भी सुनते हैं, छठ में माहौल ऐसा होता है कि आप समझिए कि छठ के एक महीना पहले से हम बिहार जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, यहाँ तक कि चंडीगढ़ भी अभी मैं कार्यक्रम करने गई थी 15 दिन पहले, और सब जगह सिर्फ छठ के गीत की फरमाइश आती है, माहौल ऐसा हो जाता है। तो ये जो गोमती के तट पे लक्ष्मण घाट पे जहाँ पे भी आप बात लेकर गए थे, वहाँ पे बड़ा वृहद आयोजन होता है, एकदम से कहाँ से हजारों की संख्या में भीड़ आती है और 3-4 बजे का दृश्य देखने लायक होता है। वास्तव में 4 बजे से हम लोग कार्यक्रम गाते हैं जी, और उन लोगों को देख करके, उनकी 3 दिन का कठिन व्रत है, उनको देख देख के जिस तरह से वो सब गाती हैं, समूह में गाती हैं, वो देख देख करके भीतर से इतना एक आत्मबल जगता है, आत्मशक्ति जगती है। अनामिका मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, उसके बाद विदा लेती हूँ जी जी। अनामिका जी से मैं आज्ञा लेता हूँ तो। जी जी आप सुना लें, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, पहले आप सुना लें। कैली बरतिया तुहारे हो छठी मैया, कैली बरतिया तुहार ए हो छठी मैया, लीली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया, लीली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया, कैली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया, अंगना ओ सरिया मैया घरवा दुहरली, अंगना ओ सरवा मैया घरवा बुहरली, साफ घर के कोठरिया मैया घरवा पुछौली, साफ कैली घर दुआर ए हो छठी मैया, साफ कैली घर दुआर ए हो छठी मैया, सुनली अरजिया हमार ए हो छठी मैया, कैली नहाए खाए घरवा मकैली, कैली नहाए खाए घरवा मकैली, घन करके गोल लागी पारन हम कैली, कैली निहोरा बारंबार ए हो छठी मैया, कैली निहोरा बारंबार ए हो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार ए हो छठी मैया, लीली अरघिया स्वीकार ए हो छठी मैया, पनिया में ठाड़ी मैया जनवा में बाली, पनवा में ठाड़ी मैया जनवा में बानी, कुछो ना लोकत माई रउआ हम जानी, कुछो ना लोकत मैया रउआ हम जानी, राउर बा महिमा अपार ए हो छठी मैया, राउर बा महिमा अपार ए हो छठी मैया, लीली अरघिया स्वीकार ए हो छठी मैया, कैली अरघिया तोहार ए हो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार मालनी जी हो छठी मैया। मालनी जी इससे पहले कि आप विदा लें, मेरे मन में एक इच्छा आ रही है, हमारे आपके यहाँ पूर्वांचल में सोहर की बहुत पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है, और अगर सोहर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ये धर्म से, आध्यात्म से बहुत ज्यादा इसका गहरा संबंध है। जिस तरीके से हम लोग किसी वैदिक अनुष्ठान में संकल्प के साथ शुरुआत कराते हैं, उसी तरीके से सोहर जो है वो आम जन की भाषा का एक संकल्प लेने का एक तरीका कह सकते हैं, लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए किसी भी कार्य को, मांगलिक कार्य को पूर्ण करते हैं, वो हर मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग किसी वैदिक कर्मकांड का जो अनुष्ठान शुरू कराते हैं, आरंभ कराते हैं, वह संकल्प के साथ कराते हैं, तो सोहर का जो महात्मा है ऐसे अवसर पर, उसके बारे में भी एक बार आप दृष्टि डालें और कुछ इस अवसर से जुड़ा हुआ जो सोहर है वो आप हमें सुनाएं। मैं आपको सोहर सुना रही हूं
क्योंकि सोहर गाना आज तो बड़ा प्रासंगिक भी है क्योंकि सूर्य भगवान की छठी है दरअसल जी जी। और मांगलिक से जुड़ा हुआ आपने बोला है, मैं उन्हीं का सोहर गा रही हूँ जिनकी आपने पौराणिक कथा बताई है। बिल्कुल बिल्कुल, कि लोक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जी आराधना की थी जी। बजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। बजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे दीन दयाल दून हूँ कुल तारन, दून हूँ कुल तारन हो। रामा जन्मे दीन दयाल दून हूँ कुल तारन, दून हूँ कुल तारन हो। काहे के छुरा नर छीनो काहे रे पहुड़ावो, काहे से नहावार उरो। काहे के छुरा नर छीनो काहे पहुड़ावो, काहे से नहावार। ए हो सोने के नार से छीनो गंगा जल नहावो, सूपे हु पौढ़ाव हो। बजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। एगो जन्मे दीन दयाल दूनहु कुल तारन, दूनहु कुल तारन हो। राम के माथे किला टुरिया गजब छवि लागे, जब छवि लागई हो। राम के माथे किला टुरिया जब छवि लागई, गजब छवि लागई हो। रामा दिया है बुआ सुहाग तपतरिया, अंगुरिया अंगुरिया नहीं सो है हो। रामा दिया सुहाग बुआ तपतरिया, गुरिया अंगुरिया मिक सोहै हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। बिल्कुल, धन्यवाद मालिनी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए और गीत के माध्यम से हमारा और छठ व्रतियों का मनोरंजन करने के लिए आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल भी हमारे पास दर्शकों के आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस छठ को डाला छठ भी कहते हैं, तो डाला छठ का क्या महत्व है, क्यों कहा जाता है इसे डाला जी? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा अभी तक आपने जितने भी दृश्य देखे, हर व्रती जो है अपने जो भी पूजा की सामग्री है वह डाले में यानी बांस से बनी हुई टोकरी में रखता है जिसे डाला कहते हैं, और बांस से बने हुए सूप का भी प्रयोग में लिया जाता है। देखिए बांस से बना हुआ जो सूप है वह सौभाग्य के लिए बहुत बड़ा हमारे घरों में एक प्रधान तत्व माना जाता है, किसी भी गृहस्थी के लिए एक प्रमुख चीज है और बहुत ज्यादा सौभाग्य को दिखाता है, धन संपदा से परिपूर्ण होना यह दर्शाता है। और बांस से बनी हुई टोकरी का जो महत्व हमारे शास्त्रों में है वह सबसे ज्यादा है, वह इसलिए कि जो टोकरी बांस की बनी हुई होती है, बांस को हमारे यहाँ चिरायु का प्रतीक मानते हैं, लंबी आयु का प्रतीक मानते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं, और ये वंश को दर्शाता है, लगातार वंश वृद्धि होती रहे, आपका वंश जो है यूं ही अनवरत चलता रहे, उसमें कहीं कोई बाधा ना आए, इस चीज का प्रतीक होता है। क्योंकि बांस का जो पेड़ होता है जिसे बांस की कोठी कहते हैं वह 400-400 साल या 800-800 साल की पुरानी बांस के एक एक पेड़ की कोठी होती है, यानी एक एक बांस का जो वृक्ष होता है वो एक ही परिवार जो है वो 400-500 वर्षों तक चलता है। तो इस तरीके से ये हमारे परिवार में वृद्धि का, संपन्नता का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, लंबी उम्र अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस व्रत में, इस विशेष महान अनुष्ठान में जो भी चीजें प्रयोग में ली जाती हैं वह आम जन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो चीजें बहुत साधारण तौर पर उपलब्ध होती हैं, जैसे जो भी ऋतु फल है, मौसमी फल जो भी किसी व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए वह इसमें लिया जाता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पहले फसल का, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है,
पहली फसल के जो भी अन्न आते हैं उससे ही भोग बनाया जाता है, चाहे वो अरवा चावल हो या आपने गन्ने की प्रधानता देखी, गन्ने के रस से ही इसमें भोग बनाया जाता है, या फिर ताजे गन्ने के रस से जो ताजा गुड़ बनाया जाता है उसको प्रयोग में लेते हैं। गन्ना जो है स्वयं मिठास का प्रतीक है, आपके जीवन में ये मिठास बनी रहे, वह गुड़ की मिठास बनी रहे और गन्ने के रस की मिठास बनी रहे। गुड़ का दान जो है सूर्य के लिए करना बहुत विशेष होता है, इस वजह से भी गन्ने की प्रधानता है। गन्ना जो है सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए गन्ने के वृक्ष से ही घर में और घाट पर जहां पे पूजन करना होता है वहां पे मंडप बनाते हैं और उसी मंडप के अंदर देवकरी बनाते हैं। देवकरी उस स्थान को कहते हैं जहां पर आपने पूजा के लिए जो स्थान निश्चित किया है, जहां पर आप शक्ति माता को स्थापित करेंगे। तो ये जो षष्ठी देवी की स्थापना होती है वह देवकरी में होती है और उनके सामने ही ये डलवे में सारा सामान सूप में या डाला में उनके समक्ष रखा जाता है। आज से ही षष्ठी देवी की स्थापना होगी क्योंकि आज खरना की तिथि है और उनको सबसे पहला भोग लगाया जाएगा अरवा चावल और गुड़ से बना करके, ताजे गुड़ से या गन्ने के रस से बना हुआ अरवा चावल और गुड़ से बनी हुई खीर का भोग उनको अर्पित किया जाएगा और जो भी व्रती होगा उसके उपरांत उस प्रसाद को ग्रहण करके ही आज से ही 36 घंटे का ये जो व्रत है इसको उठाया जाता है, ये संकल्प आज से उठाया जाता है। जिस तरीके से हमने अभी लखनऊ से लोकगीत में कोसी भरने की मान्यता सुनी, कोसी भरने की मान्यता इसमें बहुत विशेष होती है। कोसी भरने का अर्थ ये है, कोसी वो लोग भरते हैं जो किसी विशेष संकल्प के साथ इस व्रत को इस वर्ष कर रहे हैं। उनके मन में आकांक्षा है कि हमें संतान हो जाए या हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, बच्चों के विवाह में बाधा है, किसी भी प्रकार के कष्ट निवारण के संकल्प के साथ इसको कोसी भरी जाती है। और जब वो कोसी आपकी जब वो मनोकामना सिद्ध हो जाए तो दोबारा आप जो है कृतज्ञता पूर्वक आप अपनी निष्ठा से उनके लिए पुनः एक बार कोसी भरते हैं। आप उनका आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से, हे षष्ठी माता आपकी कृपा से हमारा संकल्प परिपूर्ण हुआ है, हमें आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आपको पुनः एक बार कोशी से संपादित कर रहे हैं, फिर उनकी पूजा उस अनुसार की जाती है। बिल्कुल पूजा की जाती है। आलोक हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर रुख करेंगे उनका। आलोक, हमने जैसा कि पंडित जी ने भी जिक्र किया कि कोसी भरने के का गीत भी हमने लखनऊ से सुना है, लक्ष्मण मेला मैदान से, जहां पर इस वक्त मंडली मौजूद है और जो इंतजाम हमने देखे हैं वो जाहिर सी बात है उच्च कोटि के हैं और साफ देखे भी जा सकते हैं इंतजाम कितनी मेहनत की गई है। 1.5 से 2 महीने पहले ही इसमें तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहां पर जिन्होंने इंतजाम किए हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है। इसके अलावा क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, छठव्रतियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, या फिर कई बार ऐसा था कुछ चीजें घर पर छूट जाती हैं, नहीं ला पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं कि वहां जो छठव्रती आए तो उनको तुरंत से तुरंत सामान उपलब्ध हो जाए। यह देखिए अनामिका, बिल्कुल यहाँ पे जो 30 साल से जो छठ का इंतजाम किया जा रहा है, आपको बता दें सबसे पहले तो हम इंतजाम है आपको सुशोभिता जहाँ पे पूजा होती है छठ जी की, उसको देखिए पूरी बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। उसके बाद घाट पर उतरने के लिए एक पक्का जो प्लांट है इसको बना दिया गया, एक पूरा ढलान बना दिया गया, यहाँ से आदमी अपनी कार के साथ आ सकता है क्योंकि उनके पास काफी भारी भारी सामान होते हैं जिसको प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं सुशोभिता जो है वो सब लोग जितने भी छठ व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो अपने अपने घर से आके यहाँ पे देखिए बना रही हैं और उसको बढ़िया से सजा रही हैं। प्रभुनाथ राय जी फिर से हमारे साथ हैं, इनसे और भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके के जो और इंतजाम है वो यहाँ पे किए गए ताकि जो व्रत रखने वाले आए हैं उनको किसी तरीके। आलोक, हम वापस बात करेंगे वहां पर किस तरह के इंतजाम उन्होंने किए हैं, हालांकि जैसे कि उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 महीने पहले ही वहां पर पहले से इंतजाम देखने को मिले हैं। कुछ गीत की आवाज आपके पीछे से आ रही है, मंडली की आवाज हमें सुनाई पड़ रही है, काफी उत्साह काफी जोश उनमें दिख रहा है, कुछ गीत आपके माध्यम से हम सुन सके तो। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको गीत ही अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। देखिए लोग हैं, अब ये लोग फिर से इन्होंने जो गीत हैं ये लोग गा रहे हैं, छठ मैया के गीत गा रहे हैं, हम पास में ले जाके सुनाना चाहेंगे। बहंगी के करा के जान जे पूछे ना बाटो ही या, बहंगी के करा के जान करा के जा, पहंगी के करा के जा, पहंगी के करा के जा, ना देवर जी का हरिया
कोई ना देवर जी का हरिया बहंगी लचकती जाए बहंगी लचकती जाए कोई ना प्रभु नाथ भैया का हरिया बहंगी लच पहुंचाए बहंगी कांच जे बस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए फल वासा जाई के दौरिया बहंगी कैली तैयार बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगी के करा के जाए बनाना महंत बाबू का हरिया बनाना महंत बाबू का हरिया बहंगी घाट पहुँचा कांच ही बस के बहंगिया बहंगी घाट पहुँचा बनाना कन्हैया बाबू का हरिया बनाना कन्हैया बाबू का हरिया बहंगी लचकती जाए तोहरे जयबानी छठी मैया तोहरे जयबानी छठी मैया बहंगी ओन का के जाए बिल्कुल आलोक ये गीत हमने सुना है और ये गीत ऐसा है कि एक बार सुनो तो बार बार कानों में ये गीत गूंजता रहता है। वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी करूंगी आपसे जानना चाहूंगी पंडित जी कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पूजा किस तरीके से की जाए, विधि विधान क्या कुछ होता है, कोई गलती नहीं हो इसमें। आपने बताया कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल। तो खरना आज है तो खरना के लिए क्या कुछ किया जाता है स्पेशली? जी बिल्कुल, देखिये खरना की पूजा में महत्व सबसे ज्यादा साफ सफाई का है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि षष्ठी देवी जो है या सूर्य देव जो है जरा सी लापरवाही से जरा सी चूक से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और आपकी ये जो साधना है उसका आपके ऊपर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर ज्योतिष शास्त्र में देखें तो सूर्य देव को रक्त संबंधी रोग यानी खून से संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए, परिवार में पिता का कारक माना जाता है सूर्य देव को, किसी मनुष्य की आत्मा है ज्योतिष के अनुसार और संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा माने जाते हैं सूर्य देव, तो जरा सी गलती भी किसी भी व्यक्ति की साधना को खंडित कर सकती है और अगर साधना भंग हो जाए तो उसके विपरीत प्रभाव भी आते हैं। तो जो व्रती है उसके लिए तो बहुत ज्यादा नियम है कि उसको इस समय में देवता के मंत्र के अलावा या जो भी उनके अपने पारंपरिक गीत हैं देवी देवता के, सूर्यदेव की और षष्ठी माता की प्रार्थना के अलावा, उनकी वंदना के अलावा और किसी चीज को ना उच्चारित करना चाहिए और ना सुनना चाहिए। साथ ही साथ परिवार के जो अन्य सदस्य हैं परिजनों के लिए भी नियम इसमें बहुत ज्यादा कड़े होते हैं कि जो भी व्रती है पूरी निष्ठा से आप उनको व्रत में सहयोग करें। उसका सबसे पहला कारण यह होता है कि घर की साफ सफाई, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी परिवार में कोई छोटा शिशु है, छोटा बच्चा है, तो उसके रुदन की आवाज यानी उसके रोने की आवाज भी व्रती के कानों तक नहीं जानी चाहिए, इससे उनके व्रत पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में परिवार के सदस्यों का ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है कि अगर परिवार में छोटा बच्चा है अगर वो रोता है तो उसे तत्काल शांत कराया जाए और अगर वो शांत नहीं होता तो उसे उस स्थान से लेकर के दूर जाना होता है, नहीं तो उनके व्रत को जो है खंडित माना जाता है। ऐसे में जितनी ज्यादा से ज्यादा मंगल गीतों की ध्वनि, वेद मंत्रों की ध्वनि व्रती के कानों में पड़े, उसका श्रवण किया जाए, उसका उच्चारण किया जाए, ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। यानी कि घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि कोई परेशानी का सामना जी बिल्कुल बहुत ही शांत, बहुत ही सुरम्य और एकांत का वातावरण होना चाहिए जहां पर व्रती अपनी साधना को आरंभ करे और साधना को पूर्ण करे। बिल्कुल पंडित जी, अब हमसे जुड़े, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।